अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं बुशरा और आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत क्लासी और ग्लॉसी मेकअप शेयर करने जा रही हूँ, पार्टी मेकअप। इसको किसी भी तरह से आप यूज़ कर सकते हो, पार्टी में यूज़ कर सकते हो, रिसेप्शन में यूज़ कर सकते हो, निकाह के ब्राइडल में यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जिन लोगों को कन्फ्यूजन थी आई लैशेज लगाने में, आईलाइनर लगाने में, छोटी आंख को कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं और फैशन शेड के साथ कवर कर सकते हैं और ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें आपके लिए कवर की हैं। सबसे पहले एसेंस का मेरे पास हाइड्रेटिंग स्प्रे है। मैंने इनके फेस पे हाइड्रेटिंग स्प्रे किया था, तकरीबन 4 से 5 मिनट उसको स्टे कराया। मिस रोज़ का आईब्रो पॉमेट यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। आप अकॉर्डिंग टू मेकअप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, पॉमेट भी यूज़ कर सकते हो, आईब्रो जेल भी यूज़ कर सकते हो, जो चीज़ आप कन्वीनियंट समझे। लेकिन जब आप पाउडर यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो गिरना शुरू हो जाता है और काफ़ी आईब्रोज लाइट हो जाती हैं, इसलिए पॉमेट को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप जो पार्टी वेयर्स हैं या ब्राइडल्स हैं उनके लिए आप पॉमेट ही यूज़ करो। ब्यूटी फॉर मैं आमना का मैंने यहाँ पर आई शेडो प्राइमरी यूज़ किया है। अगर आप चाहते हो कि आपके शेडोज़ जो हैं वो बिल्कुल प्रोमिनेंट नज़र आएँ और बहुत अच्छे ग्लिटर्स आपके स्टे करें और बहुत अच्छा सा आपका आई मेकअप हो, तो सबसे पहले उसके लिए हम बेस क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैंने प्राइमर यूज़ किया है, आई शेडो प्राइमर कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। काशिश का कॉम्पैक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इसको लॉक करने के लिए, और आप कॉम्पैक्ट के साथ भी काम कर सकते हो, कॉम्पैक्ट के बगैर भी काम कर सकते हो। इंटरफेरेंस शेड यहाँ पे मैंने ब्रो बोन्स को इनहेंस करने के लिए यूज़ किया है, एक्वा का सिल्वर इंटरफेरेंस मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए सेंटर से मैंने लगाना स्टार्ट किया है और पिगमेंट को आहिस्ता आहिस्ता मैं स्प्रेड करते हुए आगे पीछे की तरफ मूवमेंट में लेके आ रही हूँ। कलर्स का ब्लेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कशिश का लिविंग बर्ड का पैलेट यहाँ पे आई शेडो के लिए यूज़ कर रही हूँ। ट्रांजिशन मैंने इसमें से थोड़ा पीची ऑरेंज सा ट्रांजिशन यूज़ किया है और इसको लगा के मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया। जो जब भी आप ट्रांजिशन यूज़ करें कोशिश करें कि उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दें ताकि ओवरऑल आपका जो है वो आई की लुक और शेप जो है वो भी प्रोमिनेंट नज़र आए। बेसिकली आपका ट्रांजिशन और आपका क्रीज जो है वह आपकी आंख को छोटा या बड़ा दिखने में काम आता है, तो आप उस लिहाज से जो है वो अप डाउन इसको कर सकते हो। अगर आप डाउनवर्ड करते हो तो आप उसको छोटा कर देते हो, अगर आप अपवर्ड करते हो ब्रोज की तरफ तो आप आंख को बड़ा करते हो। इनर आइज़ में गोल्डन कलर मैंने यूज़ किया है और इसको लगा के मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है। मेकअप बेसिकली ब्लेंडिंग का ही दूसरा नाम है। अगर आप मेकअप करते हो तो आपके हर हर कॉर्नर जहाँ पे क्रीज ट्रांजिशन या आपके इनर आउटर कॉर्नर जहाँ जहाँ पर आप शेडोज अप्लाई कर रहे हैं, कलर्स अप्लाई कर रहे हैं, उनका ब्लेंड होना बहुत ज़रूरी है। जी जनाब, इसी पैलेट में से मैंने जो है वो ये कलर यूज़ किया, बहुत ही खूबसूरत कलर है और इसको मैंने लगा के सॉकेट लाइन पे, सॉकेट एरिया पे अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर दिया है। लाइटर थोड़ा सा एप्पल ग्रीन सा टोन है इसके अंदर और उसके बाद मैंने सी ग्रीन कलर भी इसके ऊपर अप्लाई किया है, लेकिन इस तरह से अप्लाई नहीं किया कि नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल डिमिनिश नहीं हुआ। आप देख रहे हो कि साथ साथ उसको भी मैंने जो है वो नीट किया, ट्रांजिशन को और क्रीज को मैंने अच्छी तरह से नीट कर लिया। इसके मैंने पीछे ऑरेंज कलर यूज़ किया है, देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर नज़र आ रहे हैं। और शेडोज़ आप देखें कि 2-3 तरह के शेडोज़ नज़र आ रहे हैं। अगर आपने 3D शेडोज़ क्रिएट करने होते हैं तो आप इसी टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। आउटर कॉर्नर मैंने थोड़ा सा जो है वो डार्क ब्राउन शेड के साथ इन्हेंस कर लिए हैं और ग्लिटर ये देखिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, बिल्कुल बारीक ग्रेन्स वाला शिमर टाइप ये ग्लिटर है। और जब भी आप इसको यूज़ करते हो इसको अच्छी तरह से डस्ट ऑफ करके उसके बाद आँख के ऊपर लगाते हो, डायरेक्ट आप बहुत सारे ग्लिटर आँख के ऊपर नहीं लगा देते। इनर आइज़ में जो है वो मैंने वाइट कलर यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पे जो मैंने आई शेडो प्राइमर ब्यूटी फॉर माई आमना का यूज़ किया था उसी को मैंने इनर आइज़ में यूज़ किया है। जी जनाब, मिस रोज़ का यहाँ पे जेल लाइनर में यूज़ करी, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही ज़बरदस्त जेल लाइनर है और बहुत सी जो है वो बहुत ही ब्लैकिश टोन जट ब्लैक कलर में, अगर आप चाहते हो कि आप लाइनर जो है वो अवेल करें, मेरे ख्याल में मिस रोज़ का अति बेस्ट लाइनर इस वक्त जो है वो मैं जो यूज़ करती हूँ, ब्राइड्स पे भी इवन के यूज़ करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आती है, बिल्कुल स्प्रेड नहीं होता, बिल्कुल फैलता नहीं है, ख़राब नहीं होता और सबसे बड़ी बात कि लॉन्ग लास्ट जो है वो मेकअप के साथ चलते हैं।
जनाब ये देखें कि आईज़ मेरी क्लाइंट की छोटी थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है वो इनके लाइनर लगाया। और लाइनर आप इस तरह से लगाते हैं कि आँख उससे बहुत छोटी ना लगे बल्कि आँख उससे बड़ी बड़ी और लंबी लगना शुरू हो। जी जनाब मस्कारा मैंने यहाँ पे गिब्रिनी का यूज़ किया, उसके बाद कशिश की लैश ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ आप लैश लगाते हो वहाँ वहाँ पर आप लाइनर की तरह से एक लाइन क्रिएट कर लेते हो और उसके ऊपर आप लैशेस पुट करते हो। कशिश की मैं यूज़ करती हूँ और सॉफ्ट टच की भी यूज़ करती हूँ, दोनों ही बहुत अच्छी हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हो। 08 और 05 नंबर जो है मैंने कशिश का फाउंडेशन यूज़ किया, लिक्विड फाउंडेशन। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा के अच्छी तरह पूरे फेस को पर स्प्रेड कर दिया और इसी को जो है वो मैं ब्लेंड करूँगी। और ब्लेंडिंग के लिए हमेशा डैम ब्यूटी ब्लेंडर आप यूज़ करें, बिल्कुल ड्राई या गीला आप यूज़ ना करें, बल्कि इसको अच्छी तरह डिप करके अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके आप ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप की क्लाइंट की जो फाउंडेशन है वो लॉन्ग लास्ट स्टे करे और उसमें ग्लॉसी लुक भी रहे और बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए और तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए निकल जाए, तो आप इसको टैप टैप मोशन में ब्लेंड करें और कभी भी इसको ड्रैग ना करें। जी जनाब यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ किया है, कशिश का ही कॉम्पैक्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है 05 नंबर। और जब भी आप कॉम्पैक्ट यूज़ करते हो कोशिश करें कि आप ड्रैग ना करें उसको, स्टेप टेप मोशन में आप उसकी एप्लीकेशन करें। कंटोरिंग के लिए मैं क्रिस्टाइन के कॉन्टोर पैलेट यूज़ करती हूँ। और ये देखें इस तरह से पहले मैं इनलाइनमेंट कर लेती हूँ, इनलाइनमेंट करने के बाद यहीं पे जब अच्छी तरह से नाक की शेप प्रोमिनेंट हो जाएगी उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। जी जनाब ये देखिए नोज़ की शेप आपके सामने है, उसके बाद इनलाइनमेंट करूँगी फेस के अकॉर्डिंग टू फेस, हम लोग इनके फेस के कॉन्टोर करेंगे और किसी भी अच्छे से फ्लफी ब्रश के साथ फेस को जो है वो अच्छी तरह से जहाँ जहाँ इनलाइनमेंट की है हम लोगों ने वहाँ वहाँ पे उसको ब्लेंड कर देंगे। नेकेड का हमारे पास ब्लश ऑन है और यहाँ पे मैं इनके उसी डायगनल शेप में ही अप्लाई करूँगी जहाँ पे मैंने इनके कॉन्टोर जो है वो यूज़ किया है। और आप फेस शेप इनका देख रहे हैं, मैंने फेस शेप इनके फेस के अकॉर्डिंग जो है इन पे ब्लश ऑन भी लगाया है और उसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने इनका कॉन्टोर किया है। जी जनाब कलर्स का यहाँ पे मैं लिपस्टिक लिप ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे आप कौन सा ग्लॉस मोस्टली यूज़ करती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लॉस यूज़ करती हूँ और क्लिस्टा और कलर्स के भी ग्लॉस काफ़ी अच्छे हैं, वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, हुदा के यूज़ कर रही हूँ। और बहुत ही खूबसूरत पिगमेंट्स हैं इसके और बिल्कुल लाइट में नहीं, लाइट नहीं होते। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी लॉन्ग लास्ट गुजरते हैं, जो लोग लिपस्टिक्स की वजह से थोड़ा टेंस हो जाते हैं तो उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि वो ग्लोज ही यूज़ किया करें। जी जनाब कशिश का जो है यहाँ पे मैंने हाइलाइटर यूज़ किए हैं और सबसे पहले मैंने इसके स्प्रे किया और हाइड्रेटिंग स्प्रे या फिक्सर स्प्रे के बाद मैंने इन पर आप देख सकते हो कितनी ग्लॉसी लुक इनकी आ गई है और बहुत ही खूबसूरत और शानदार इनका फाउंडेशन थी, ग्लासी और ग्लॉसी लुक थी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरा मेकअप पसंद आया होगा। जी जनाब आप ओवरऑल लुक इसको जो है वो निकाह की पार्टी में भी यूज़ कर सकते हो, एंगेजमेंट में भी यूज़ कर सकते हो और आप रिसेप्शन का जो मेकअप है उसमें भी यूज़ कर सकते हो। गिब्रिनी का मैंने यहाँ पे इनके मस्कारा लगा रहा हूँ, मस्कारा लगाने का तरीका देखें कि मैं किस तरह से लगा रही हूँ, आप अपना थंब रख के उसके ऊपर लगाते हो। जी जनाब ये ओवरऑल लुक है, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करती हूँ कि हर दफ़ा आपको लाजमी आपके मैसेज़ का आपके कमेंट्स का जो है वो ये रिप्लाई